गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में संसाधन के रूप में लोग में अपन लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और पीछे की कक्षा में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अब हमारा जो एक क्वेश्चन छूटा हुआ था कि बेरोजगारी की व्याख्या आप किस तरह से करोगे, तो ये प्रश्न हमने पीछे के कक्षा में आधा कर लिया था, आधा इसको अभी कम्प्लीट कर लेते हैं अपन लोग। प्रश्न अपना क्या था कि बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे, तो ये प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न संख्या 9 अपना चल रहा था। प्रश्न है बेरोजगारी, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या आप कैसे करेंगे। कुल मिलाकर देखिए इस तरह के ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कैसे करेंगे, आप होते तो क्या करते, क्या आप इस बात से सहमत हैं, हाँ या ना, इस तरह के ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनका उत्तर वही होता है, यानी जो किताब में उत्तर दिया हुआ वही होता है। बस हमें इस प्रश्न को इस हिसाब से कि हम इसकी व्याख्या किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से हमें इसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बेरोजगारी वाली जो परिभाषा थी वो क्लियर करवा दी थी कि जो लोग होते हैं काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन फिर भी उनको कार्य नहीं मिलता, तो वो क्या कहलाते हैं, बेरोजगार कहलाते हैं। अब इससे आगे जो चलेगा यानी इसका जो नेक्स्ट बिंदु है, और चलिए मैं पूरा आपको बेरोजगारी की परिभाषा के साथ ही करवा देती हूँ, उत्तर चल रहा है परिभाषा। सबसे पहले हमने बेरोजगारी की परिभाषा निकालनी है। तो परिभाषा है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूर की दर पर मजदूरी की दर पर इच्छुक व्यक्ति को लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, तो ये तो है किसकी परिभाषा, बेरोजगारी की परिभाषा। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, यानी ये तो अपने पास बेरोजगारी आई है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या के लिए हमें देखना होगा कि भारत के संदर्भ में हमें बेरोजगारी की किस तरह से स्थिति सामने आती है। तो भारत के संबंध में हम बेरोजगारी की बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, भारत में मुख्य रूप से कितनी बेरोजगारी पाई जाती है, दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहली जो बेरोजगारी है वो कौन सी बेरोजगारी है, वो है ग्रामीण बेरोजगारी। ये अपन लोगों ने पढ़ा था भारत के संदर्भ में ग्रामीण, और ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत कितने प्रकार की बेरोजगारी आती है, दो प्रकार की बेरोजगारी आती है, एक तो आती है मौसमी बेरोजगारी, एक आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये जो व्याख्या की थी अपन लोगों ने पीछे की कक्षा में, मैंने लगभग ये व्याख्या आपको करवाई थी। तो देखिए ग्रामीण बेरोजगारी की बात करते हैं, तो पहली बेरोजगारी है कौन सी, मौसमी बेरोजगारी, और दूसरी बेरोजगारी कौन सी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये दो प्रकार की बेरोजगारी आ रही है। और शहरी बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो वो बेरोजगारी है शिक्षित बेरोजगारी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मौसमी बेरोजगारी क्या है। सबसे पहले हमें मौसमी बेरोजगारी को की व्याख्या करनी होगी कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देखिए इस मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में महीनों में
रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। ये मैंने आपको बताया था कि ये स्थिति कब आती है, यानी मौसमी बेरोजगारी में ये स्थिति कब आती है। तो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत ये स्थिति तब आती है, यानी मुख्य रूप से तो ये कौन सी बेरोजगारी है, कृषि पर आधारित बेरोजगारी है। और इसके अंतर्गत लोग क्या होते हैं कि जैसे वर्ष के कुछ महीनों में जिसमें काम उनको नहीं मिलता है और कुछ महीनों में उनको काम मिलता है, यानी जब खेती में निराई गुड़ाई सिंचाई वगैरह होती है तब तो उनको काम मिल जाता है, और इसके बाद में उनको काम नहीं मिलता है। तो ये मुख्य रूप से मौसम पर आधारित है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मौसम पर आधारित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामीण बेरोजगारी में जो पहली मौसमी बेरोजगारी है वो कौन सी है, और जो दूसरी बेरोजगारी है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या हम किस तरह से करेंगे। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत भी लोग क्या करते हैं, कृषि पर आधारित बेरोजगारी है ये, और इसमें लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी लोग कार्य करते हुए दिखते हैं परंतु उससे उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह है कृषि पर आधारित बेरोजगारी है, कृषि पर आधारित बेरोजगारी है। इसमें लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, नियोजित प्रतीत होते हैं परंतु उससे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझाई थी, और वो एग्जाम्पल क्या था कि मान लीजिए कोई एक 5 बीघा भूखंड है, छोटा सा भूखंड है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, यानी नियोजित है, वो सारे 10 लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो उन 10 लोगों के द्वारा काम करने पर भी उतना ही उत्पादन होता है जितना अगर हम उनमें से 8 लोगों को हटा दें और 2 लोग उसमें नियोजित करें, तो उतना ही उत्पादन होगा जितना 10 लोग कर रहे थे और जितना 2 लोग करें, यानी उत्पादन पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सी बेरोजगारी हो जाएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये तो भारत में है ग्रामीण बेरोजगारी। अब इसके साथ साथ जो अगली बेरोजगारी आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी शहरी बेरोजगारी। तो ग्रामीण बेरोजगारी की अपन लोगों ने बात की है, अब हम करेंगे शहरी बेरोजगारी की बात। ये बड़ा प्रश्न है, यानी निबंधात्मक प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपको पूरा निबंधात्मक रूप में ही करना है। तो शहरी बेरोजगारी की बात करते हैं हम दूसरी, शहरी बेरोजगारी। और शहरी बेरोजगारी में मुख्य रूप से जो बेरोजगारी आती है वो आती है शिक्षित बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये आती है शिक्षित बेरोजगारी। यानी शिक्षित बेरोजगारी की व्याख्या हम किस तरह से करेंगे, शिक्षित बेरोजगारी तब होती है जब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, काम करने के इच्छुक होते हैं, डिग्रीधारी होते हैं, परंतु उनको उनके अनुकूल कार्य की प्राप्ति नहीं होती, उनको अपने अनुकूल काम नहीं मिलता है, तो वो होती है शिक्षित बेरोजगारी। तो इसकी व्याख्या हम किस तरह से करेंगे, मुख्य रूप से मतलब ये शहरी बेरोजगारी है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो डिग्रीधारी युवा पुरुष है, डिग्रीधारी युवक जो कार्य करने के इच्छुक है परंतु उनको अपने अनुकूल कार्य नहीं
मिलता है। तो ये कौन सी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं? ये मुख्य रूप से शहरी बेरोजगारी, और शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत भी कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी। तो इस तरह से ये बेरोजगारी वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होता है कि ये ऊपर शायद इसको सही क्लियर करते हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी जो क्वेश्चन है तो बेरोजगारी है। तो इससे जो शब्द है बेरोजगारी की व्याख्या हम लोगों ने किसके रूप में की है, इसकी व्याख्या हमने ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत की है। आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न, ये आपको पूरा अपनी नोटबुक में इसी हिसाब से करना है। पहले आपको परिभाषा देनी है बेरोजगारी की, और फिर आपको क्या देना है, अलग अलग एक्सप्लेन करना है ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। अब हम देखिए अगला प्रश्न जो आपकी किताब में दिया हुआ है, नवा प्रश्न, वो प्रश्न है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। सॉरी ये 10वां प्रश्न है, प्रश्न 10। तो प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, ये प्रश्न है पूरा कि क्या अंतर है। तो देखिए अभी हमने इसको क्लियर किया है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी को, और इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा के लिखना होता है तो हम प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण वो वाला दे सकते हैं कि जहां पर कि लोग कार्य में नियोजित तो होते हैं परंतु उससे उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको सारी बता रही हूँ, पहले एक्सप्लेन करते हैं इसको, उत्तर करते हैं इसका। वैसे तो ये बताया हुआ लेकिन करना किस तरह से वो देखिए, अंतर पूछा है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में। तो सबसे पहले हम लेते हैं मौसमी बेरोजगारी, और मौसमी बेरोजगारी का देखिए किस तरह से हमें व्याख्या करनी है। तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है, उत्तर है इसका मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है कृषि पर आधारित लोग इस समस्या का सामना करते हैं और वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई कटाई निराई और गहाई होती है, यानी ये खेती के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं हैं, गहाई होती है कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को
कृषि पर आश्रित लोगों को काम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ये पूरा इसका वर्णन कर दिया है पर लोगों ने मौसमी बेरोजगारी का। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से तो कृषि पर आधारित है, ये तो बात हमने कर ली थी। और इसमें होता है कि वर्ष के कुछ महीने व्यस्त होते हैं जो इस बेरोजगारी से गुजरते हैं, मौसमी बेरोजगारी के, उनके लिए एक वर्ष के कुछ महीने होते हैं वो तो व्यस्त होते हैं कि जब खेतों में बुआई की जाती है, जब खेतों में कटाई का कार्य होता है, यानी फसल बोते हैं, कटाई होती है, उनकी निराई होती है, गुड़ाई होती है, गहाई होती है, ये सब खेती के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं हैं, उस वक्त तो क्या उनको कार्य मिलता है। और जब ये क्रियाएं बंद हो जाती है तब वर्ष के कुछ महीने वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये कृषि पर आधारित है बेरोजगारी है। दूसरी जो बेरोजगारी है वो देखिए कौन सी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी देखिए क्या है कि इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते मतलब दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, पर उनके पास उससे उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई कमी, मतलब उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसमें लोग नियोजित प्रतीत होते हैं लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसके आगे करेंगे, परंतु इससे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी लोग नियोजित प्रतीत हो रहे हैं परंतु इससे उत्पादन जो है उस पर किसी प्रकार का कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये इस तरह की कौन सी बेरोजगारी हो गई, वो हो गई प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे उदाहरण के लिए हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि एक परिवार है, उसके पास भूखंड है छोटा सा, तो उसमें लोग 10 लोग नियोजित है कार्य करते हुए दिखाई दे रहे परिवार के, लेकिन अगर उनमें से 8 लोगों को दूसरी जगह अगर हम नियोजित कर देते हैं तो इससे उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, वो आ जाएगी प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत। यानी ये इस तरह का उदाहरण हम इसके अंतर्गत लिखेंगे। तो ये उदाहरण मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये ऊपर क्लियर करके इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जैसे इसी में हमें जैसे वाला उत्तर क्लियर करना है, तो उत्तर देखिए क्या आएगा इसका कि जैसे एक भूखंड पर, भूखंड का मतलब होता है खेत, परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं, परंतु यदि यदि उनमें से कुछ कुछ को हटा दिया जाए और बाकी बचे लोग कार्य करें तो उत्पादन उतना ही होगा होगा जितना सभी लोग जब कार्य कर रहे थे, जब काम कर रहे थे
रहे थे, मतलब उतना ही होगा जितना सभी लोग काम कर रहे थे तब होता था। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये प्रश्न बेरोजगारी का उत्तर हो गया। आपको ये अपनी नोटबुक में करना है पूरा कंप्लीट, और आगे आने वाली कक्षाओं में हम बच्चे भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।